प्लेस टाइम। नमस्कार, मैं जून मैसी इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, और यहाँ पर हमारे साथ में जो हम आपके तो पैसे बाद में पूछेंगे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है संविधान बचाओ, देश बचाओ, CA, NRC और NPR हटाओ, जनता बचाओ, दलित आदिवासी किसान बचाओ, पेड़ लगाओ और पृथ्वी बचाओ। सर, ये जो पूरा आपने पूरा इसी में सब कुछ लिख दिया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? कहाँ? रजी अनवर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हूँ। और मैं सब कुछ लिख दिया इसलिए कि जहाँ भी प्रोटेस्ट होता है सरकार कुचल देती है, गोलियों से कुचलती है, लाठियों से कुचलती है। जी 15 तारीख तक मैं भी नारे लगाता था और ऐसे नहीं था, लेकिन 15 तारीख को जो कुछ हुआ मैं शौक हो गया। लाइब्रेरी में 3-4 घंटे तक बंद रहा, लाइब्रेरी को गैस चैम्बर बना दिया, जो हिटलर जर्मनी में किया था वही चीज़ इन्होंने लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के कैपिटल और उसके सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में क्या लड़कों के आँख फोड़ दिए, सर फोड़े, हाथ पांव तोड़े, और मैं अपनी आँखों से वो सब देखा। जी मैं देखा तो उस चीज़ ने मुझे शॉक कर दिया कि आदमी अगर अपनी आवाज़ कैसे उठाए। इस वजह से मैं बिल्कुल शांति से खड़ा हो गया कि इससे भी ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता है। और मैं ऐसे इसलिए हो गया कि मैंने लिखा था कंप्लेंट, 15 के बाद जो कुछ हुआ मैंने कंप्लेंट लिखा, CGI को लिखा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मैंने तीनों जगह लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और उल्टे जब कोर्ट में पिटीशन फाइल होता है तो CGI कहते हैं कि पहले वायलेंट प्रोटेस्ट बंद करो, मतलब पहले ही उन्होंने दिमाग में बिठा लिया कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो वायलेंट है असल। और जो जितने भी कोई भी वहाँ पत्थरबाजी नहीं हुई, सब झूठ है। अगर कुछ हुआ भी था वो मथुरा रोड माता मंदिर जो जामिया से 3 किलोमीटर दूर है वहाँ हुआ था, वहाँ मैं था ही नहीं तो मैं इस डिटेल कुछ बता नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर कुछ हुआ था जामिया में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, जी पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, यहाँ पुलिस आकर लाइब्रेरी में घुसकर ये क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और CGI उल्टे कहते हैं कि पहले वायलेंट प्रोटेस्ट बंद करो, वायलेशन करने वाले ये पुलिस के दंगाई लोग थे। आज जो वीडियो आया है, इससे पहले भी आया है, तो मैंने तो अपनी आँखों से वो सब देखा, जो कुछ आप लोग वीडियो में देख रहे हैं वो मैं अपनी आँखों से देखा, इस वजह से मैं साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। सर, और उस वक्त उस पल में वहाँ महसूस भी करे हैं, और लोगों के साथ जिस तरीके की बर्ताव हुआ है वहाँ पर, देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में होता है, लेकिन क्या देख रहे हैं देश के भविष्य? जी वही तो मेरा भी सवाल है कि जहाँ यूनिवर्सिटियों में देश का भविष्य पलता है, देश का दिमाग पलता है, उस पे जो लोग गोली चलाते हैं, जो लोग अटैक करते हैं, वो कौन हो सकता है? वो देश का दुश्मन हो सकता है या दोस्त हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, आम जनता को जानने की ज़रूरत है। आम जनता जो गरीब है, जो किसान है, मजदूर है, दलित, उनके बच्चे इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, अब उस पर आप अटैक कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि ये किस पे अटैक कर रहा है, किसको दबा और कुचला रहा है। चार दिन पहले भी हुए थे सर वहाँ? जी अभी 10 तारीख को मार्च निकल रहा था, उसमें भी पुलिस ने बहुत ब्रूटली व्यवहार किया है, औरतों तक को नहीं छोड़ा, लड़कियों को नहीं छोड़ा, उनके प्राइवेट पार्ट्स में मारे हैं, अभी तक कई लोग ICU में सीरियस हैं। पुलिस में ऐसे लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट को घुसा दिया गया है, ये गोडसेवादी गुंडों को घुसा दिया है उसमें, अब पुलिस आम जनता की तो रक्षा कर ही नहीं रही है। पापा कह रहे कि जो स्टूडेंट थे, कह रहे कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है, कि बाद में पता चला कि ICU में, पहले तो उन्होंने यही बोला कि सीरियस नहीं है। हाँ, असलन ये ऐसे क्या बोलूँ, बुजदिल हैं कि ये डायरेक्ट ऐसे ऊपर से लट्ठी नहीं चलाए, जिसकी वजह से लोगों को लग नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं भी थोड़ा 10 मीटर दूर था भीड़ में, तो वहाँ जो बैरिकेड के पास हो रहा था वहाँ पता ही नहीं चल रहा था, जब लोग बेहोश होकर गिर रहे थे तब समझ में आ रहा था कि अरे ये लोग तो कैसे मार रहे हैं, ये घुटनों से मारे हैं, बूट से मारे हैं, और लठ्ठी के जिस तरह अड़ेल मारते हैं वैसे मार मार के लोगों को बेहोश किया, मतलब बहुत गंदी चाल चला पुलिस ने उस दिन।
यहाँ आप देख सकते हैं ये जामिया के स्टूडेंट है, किस क्या पढ़ाई करे अभी? मैं पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी करे हुए ये जामिया के स्टूडेंट है और किस हिसाब से भविष्य को देख रहे हैं? इनका भी यही सवाल है कि देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, इस तरह की जो बर्ताव हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते संविधान कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि संविधान बचाने के, ऐसा क्या लग रहा है कि संविधान कहीं ना कहीं बच नहीं पा रहे? जी देखिए, जो 1973 में केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर में है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट और कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कानून नहीं बना सकते, ये साफ साफ है। अब देखिए सीए सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कानून है कि नहीं? अभी जो दो जजों के बेंच ने कहा कि आरक्षण ये मौलिक अधिकार नहीं है, प्रमोशन में नहीं दिया जा सकता है, ये सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। 2018 में SC ST एक्ट को कमज़ोर कर दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। 2015 में NJAC नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, वो सीधे सीधे जुडिशरी की आज़ादी को छीन लिया। देश का संविधान कहता है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी आज़ादी चाहिए। अगर यहाँ बच्चा बच्चा बूढ़ा जवान सब कोई आज़ादी के नारे लगाते हैं तो ये योगी भोगी जैसे CM कहते हैं कि इन पे देशद्रोही का चार्ज लगना चाहिए। जो भी संविधान पढ़ा है वो कहेगा कि ऐसे CM पे देशद्रोही का चार लगना चाहिए जो आर्टिकल 19 में अधिकार दिए अधिकार को छीन रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि संविधान बसाने की जरूरत है यहाँ पर और भी लोग बहुत ज्यादा जरूरत है संविधान पे। सीधे इन्होंने CA का छुरा चलाया है संविधान के सीने पे, लेकिन संविधान पे कवर मुस्लिम का लगा दिया ताकि आम जनता के आंख में पट्टी पड़ जाए कि ये सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ है, ये पट्टी बांध दिया। लेकिन देश की जनता अंधी नहीं है, अंधभक्तों की तरह नहीं है, वो अंधभक्त जिनके दिमाग भी मफलूज हो गए हैं उनके तरह नहीं है। आम जनता देख रही है कि संविधान का जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, उस पर अटैक कर दिया, आर्टिकल 14, 15, 16 उस पर अटैक कर दिया है। संविधान का जो प्रस्तावना है उसके खिलाफ कानून है, इसीलिए आज देश की 130 करोड़ जनता साथ आ गई है और इसीलिए सरकार डर गई है, घबरा गई है। जो PM आज तक टूरिस्ट थे वो PM थे ही नहीं, अब वो अपने घर से पैर नहीं निकाल पा रही, इतने बुजदिल हैं ये लोग, डर गए हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए माइक के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।